प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कौन सा पदार्थ सुचालक है और कौन सा पदार्थ कुचालक है। हमने एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसके प्रयोग से, जिसके इस्तेमाल से हमें ये पता लगेगा कि कौन सा पदार्थ सुचालक है और कौन सा कुचालक। सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक पदार्थ किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाती है उसे सुचालक कहते हैं, और जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती उन्हें कुचालक कहते हैं। तो हमने एक ये यंत्र बनाया है, एक डिवाइस बनाई है जो हमें ये बताती है कि कौन सा पदार्थ सुचालक है और कौन सा पदार्थ कुचालक है। देखो, ये कांच का गिलास है। हमने इस यंत्र को, इस युक्ति को कांच से टच किया तो ये बल्ब, एलईडी जो बल्ब है ऊपर, वो नहीं जला। तो इसका मतलब कांच क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसको डुबोया हमने ऐसे पानी के अंदर तो ये जल उठा। इसका मतलब पानी विद्युत का सुचालक है। ये जल जो है वो विद्युत का सुचालकता का काम कर रहा है। ये देखो, इसके अलावा हमने ये जो मेज है इसके ऊपर रखा तो ये बल्ब नहीं जलता, एलईडी नहीं जलती, तो ये भी कुचालक है। ये कुचालक है, मेज कुचालक है। ये प्लास्टिक का एक छोटा डिब्बा लिया, उससे टच किया हमने, नहीं जलता, तो ये भी कुचालक है। फिर हमने गत्ता लिया, गत्ते से टच किया, फिर भी बल्ब नहीं जलता, तो ये भी कुचालक है। गत्ता भी कुचालक है। ये कपड़ा है हमारे पास, इसको हमने टच किया, नहीं जला, तो ये भी कुचालक है। या हमने ये चाकू लिया, चाकू को टच किया हमने, बल्ब जल उठा, एलईडी जल उठी, तो ये विद्युत का सुचालक है। ये जो चाकू का ये वाला भाग है, ये विद्युत का सुचालक है क्योंकि बल्ब जल रहा है। लेकिन इसी के हैंडल को हम टच करते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब हैंडल जो है वो कुचालक है, लकड़ी से बना हुआ है तो लकड़ी विद्युत की कुचालक है, और ये जल उठता है तो ये सुचालक है। इसी प्रकार ये एल्युमिनियम का ढक्कन लिया हमने, एल्युमिनियम को टच किया हमने तो ये जल उठा, तो ये भी विद्युत का सुचालक है। ये कटोरी ली हमने, स्टील की कटोरी ली, तो ये जल उठा, ये भी विद्युत का सुचालक है। इसी प्रकार ये रोड ली हमने धातु की, तो इसमें भी जल उठता है बल्ब, तो ये भी विद्युत का सुचालक का काम कर रहा है। ये डिब्बा है प्लास्टिक का, इसको टच किया तो कुचालक है। बोतल को टच किया तो नहीं जला, ये भी कुचालक है। हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर को टच किया तो भी नहीं जला, तो भी ये भी कुचालक है। अब हमने देखो, ये डिवाइस को हमने पानी के अंदर डाला, ये जल उठा, तो ये जल जो है वो विद्युत का सुचालकता का काम कर रहा है। ये हमने थोड़ा सा नमक लिया, और जैसे ही इसमें नमक डालते हैं तो इस, ये देखो, इस बल्ब तेज प्रकाशमय हो जाता है, तेज जलता है, और क्योंकि नमक विद्युत की सुचालकता को बढ़ा देते हैं। लवण जो है वो विद्युत की सुचालकता को बढ़ा देते हैं। लवण, अमल और क्षार विद्युत की सुचालकता को बढ़ा देते हैं। देखो, ये जलने लग गया। इसी प्रकार हम देखो, ये हमने हाथ के ऊपर ये नमक डाल लिया, और थोड़ा सा पानी, इसमें से थोड़ा सा हमने पानी लिया, थोड़ा सा पानी हाथ के ऊपर लिया, और अब देखो, ये देखो एलईडी जल उठा, क्योंकि हमारी हथेली पर नमक और जल का विलयन है, जल का घोल है, तो ये विद्युत की सुचालकता का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन पदार्थ सुचालक है और कौन पदार्थ कुचालक है। और इसको बनाने की बहुत आसान विधि है, जो देखो, बैटरी ली, एल्युमिनियम की रॉड ली, ये एल्युमिनियम की रॉड ली, ऊपर कनेक्टर लगाया, एक रॉड से सीधा कनेक्ट कर दिया, इस एल्युमिनियम की रॉड से एक कनेक्टर का तार कनेक्ट कर दिया, दूसरा एलईडी को लगाया बीच में, एलईडी के दूसरे हिस्से से तार को जोड़ करके एल्युमिनियम की दूसरे सिरे पर लगाया। अर्थात ये नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे का जो पोर्शन है, अब वो हाथ से टच होने के बाद में विद्युत धारा हाथ में से गमन करती हुई और दूसरे पोल पर जा रही है, और इस प्रकार से ये परिपथ पूरा हो रहा है, और परिपथ पूरा होने पर बल्ब जल उठता है। ये देखो, परिपथ, ये जल परिपथ को पूरा कर रहा है, और परिपथ पूरा होने पर ये जल उठता है।